हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, कई बार हमारा कमेंट बॉक्स में हमारे जो पेशेंट होते हैं उनकी भी फरमाइश होता है, तो आपकी भी कोई भी फरमाइश हो तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो आज का विषय है कि खाना खाने के बाद पेट फूल जाता है, तो ये पेट फूलने का कारण क्या है, इसका क्या कारण बनता है, कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, क्या कोई कॉम्प्लिकेशन इसे कोई क्रिएट होता है, और क्या होम मेडिसिन है, और इसके बारे में जो बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है ये हम आपको वीडियो में जरूर बताएंगे। तो मित्रों, ये वीडियो शुरुआत से लेकर एंड तक आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपकी ये जो नॉलेज आपको इससे मिलता रहेगा। मित्रों, जब हम खुराक खाते हैं तो ये जो खुराक मुंह के वाटे स्टमक में जाता है, मीन्स हमारी पाचक थैली में जाता है, यही दूसरे एंजाइम बनने से इसमें से विटामिन मिनरल बन जाता है। पर कई बार हमारी बैड हैबिट और कोई डिजीज़ के कारण ये खुराक का पाचन नहीं होता है और इसमें वायु बन जाता है, तो ये वायु ये हमारा पेट में एक गैसियस उत्पन्न होता है, तो इससे जरिए हमारा पेट खाने के बाद इतना बड़ा हो जाता है, तो कई बार जो हमारे जो शर्ट के बटन भी खुल जाते हैं, कई बार हमारा जो जो डेली रूटीन का जो भी हम वेयर्स पहनते हैं कपड़े, ये भी टाइट हो जाता है, तो ऐसे तरह दिक्कत आती है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, देखो इसको आयुर्वेदिक में वात प्रकृति बोला गया है, होम्योपैथिक में उसको एंटी साइकोटिक माइजम्स में क्लासिफिकेशन किया है, और आपको आधुनिक साइंस बोलते हैं कि भाई अपच का कारण है, तो मोटा मोटी एक वायु का रोग है। जब भी आप खुराक खाते हैं तो इसमें वात पित्त कफ छूटा पड़ता है, इसमें वात भी जरूरी है, पित्त भी जरूरी है, एंड कफ भी जरूरी है, पर समस्त बैलेंस होना जरूरी है। जो एक वात का प्रकृति बढ़ जाता है तो ये हमारे कई बार स्टमक में घूमता रहता है, कई बार छाती में ऊपर आता है, कई बार नौशिया हो जाता है, कई बार पेट इतना हैवीनेस हो जाता है, टाइटनेस हो जाता है। तो ये पेट फूलना बहुत अलग अलग मोडालिटीज़ है, तो सबसे पहले हम आपको बात करेंगे, तो पहले खाने की बात करते हैं। कई बार आप खुराक में कितनी क्वांटिटी में खाते हैं, कब खुराक खाते हैं, और इसमें कोई ऐसे कोई खुराक है और खुराक भी जो खाते हैं तो कितने टाइम से हमने फास्ट खा लिया, स्लो खा लिया, इसमें फैट कंटेंट ज़्यादा है या कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, ये सबसे पहले देखना चाहिए। क्योंकि कई बार हम ऐसे फूड खा लेते हैं तो जो हमारा पाचन शक्ति वीक हो जाती है, तो ये वायु में उत्पन्न हो जाता है, वायु बाहर निकलने से नहीं निकलता है, तो ये हमारा स्टमक, इंटेस्टाइन और छोटे आंत में फंसा रहता है। तो एक तो अंदर तो वायु होता है और दूसरा वायु हो जाता है तो पेट फूल के बड़ा हो जाता है। कई बार हम फैट कंटेंट ज़्यादा खाते हैं या शुगर खाते हैं ज़्यादा, या टेबल सॉल्ट का प्रयोग जो फास्ट फूड में होता है, ऐसे फूड खाने से भी हमको पेट बड़ा होने की भी संभावना रहती है। कई बार हम जो भी आउटसाइड फूड खाते हैं, तली हुई चीज़ खाते हैं, पिज़्ज़ा है, पास्ता है, कहीं के जो फास्ट लाइफ होता है तो ये जो फूड भी फास्ट हो गया है, क्या प्रॉपर कुक नहीं होता है, और कुक होता है तो ये सालों से ये फ्रीजिंग होता है, और जब भी कुक होता है तो कुक धीरे धीरे करना चाहिए, इसे फास्ट कुक होने से ये जो उसकी जो माइक्रोन्यूट्रिशन की वैल्यू तो कम हो जाती है, पर जब भी शरीर में जाता है तो ये शरीर को पाचन करने में मुश्किल हो जाती है, और इससे हमको गैस, एसिडिटी और कॉन्स्टिपेशन बन जाता है। कई बार हम हेल्थ के लिए सीरियल लेते हैं तो ये सीरियल भी कई बार गैसियस सीरियल्स हो सकते हैं, कई बार स्प्राउट सीरियल्स भी लेते हैं, तो हम कितनी क्वांटिटी में खाते हैं इसका भी एक कारण हो सकता है। कई बार हम एडिटिव वाटर ज़्यादा लेते हैं, जैसे कोला है या बियर है या कोई भी जो एडिटिव वाटर्स है, जो कार्बोजन्य जो पीना है, इसे भी हमारा जो पाचन शक्ति वीक पड़ जाती है, और इसे भी मोटापा, वेट गेन, गैसेस प्रॉब्लम, कॉन्स्टिपेशन एंड वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम होता है।
कई बार हमारा बैड लाइफ्स होता है, बैड हैबिट्स होता है, जैसे सारा दिन बैठे रहने का और लेट खाना खाने का, और खाने का भी रात को 2 बजे और तुरंत सो जाने का, इससे जरिए भी हमको गैस और एसिडिटी का भी तकलीफ रहता है। कई ऐसे रोग हैं, सपोज आप जो स्टमक में हेलिकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के कारण भी हमको बार बार गैस बनता है, जिसको GERD का भी प्रॉब्लम होता है, उसको भी बार बार गैस और एसिडिटी बनने की भी संभावना रहती है। कई बार सीलियाक डिजीज, ले जो लोग कार्ब्स पचा नहीं पाते गेहूँ, तो ये इसके जरिए भी उनको पुष्कर प्रमाण के वायु होने की भी संभावना रहती है। कई बार IBS या अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी खुराक का प्रॉपर पाचन नहीं होता है, और जो भी खुराक खाता है इसमें वायु में कन्वर्ट हो जाता है, तो जैसे थोड़ी भी मात्रा में दर्दी खाता है तो पेट टाइट हो जाता है, और नौशिया और वॉमिटिंग भी होता है, और कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। तो ये होने का हमने कारण बताया। कई बार हम ऑयली चीज़ या फैट चीज़ खा लेते हैं, नॉन वेजिटेरियन खा लेते हैं, और आउटसाइड मसाला वाला और ऑयली फूड और चीज़ है, बटर है, तो इससे जरिए भी हमको ये प्रॉब्लम रहता ही है। तो ये सब कुछ कॉज है, तो आपके शरीर में जो भी वायु बनता है तो ये कॉज से आपको अवॉइड करना चाहिए। इसे क्या सिम्टम्स बनता है, तो सिम्टम भी मैंने बता दिया है कि पेट में पत्थर जितना लगता है, भूख नहीं लगती है, डकार आते हैं, छाती में बीस होता है, कई बार आँखों में जलन होता है, कई बार हमारा आवाज़ में भी डिस्टर्बेंस आता है, कई बार हमको गले में और टॉन्सिल्स के आजू बाजू में जलन रहता है, फूड पाइप में भी जलन रहता है, कई बार इससे हमारा मेंटल डिस्टर्ब भी हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, नींद नहीं होता है, कई बार तो जो गैसियस जिसको गैस्ट्रिक रिफ्लक्स भी बोला जाता है, तो इसे जरिए भी छाती में पालपिटेशन होता है, प्रेशर करता है, कई बार तो ड्राई कॉफ रहता है। देखो अभी जो भी मौसम में, पर्टिकुलर इस मौसम में जिनको वायु का और ये जो पित्त प्रकृति का जो प्रकोप रहता है, तो अभी इतनी वेग वाली खांसी वो आ जाती है, ड्राई कॉफ जिसको बोलते हैं। हम कितनी भी सारी एंटीबायोटिक लेते हैं, देखा ड्राई कॉफ निकलता नहीं है। ये ड्राई कॉफ होने का कारण हमारा पेट है, वायु है। तो आपको बोलता है कि भाई मेरे को तो एसिडिटी नहीं है, गैस नहीं है, तो मेरे को क्यों हो सकता है? तो कई बार साइलेंट आपको रिफ्लेक्ट भी हो सकता है। साइलेंट रिफ्लेक्ट में दर्दी को गैसेस एसिडिटी की कोई संभावना नहीं रहती है, पर उसको जो फूड पाइप और स्टमक के बीच में जो भी हमारा वाल्व है, कई बार लीकेज होता है, तो इसमें से वायु अपर निकलता है, तो कई बार हमारे गले में इरिटेटिंग कफ और वेग वाली खांसी आने की भी संभावना रहती है। कई बार पेट पत्थर जैसा हो जाता है, खाने की इच्छा ही नहीं होती, पानी पीने की भी इच्छा नहीं होती, दर्दी जैसे पानी पीता है तो पेट में लगता है उसको, और थक जाता है, सांस चढ़ता है, वीकनेस लगता है, कॉन्स्टिपेशन लगता है, संडास 2-3 बार जाता है तो जोर करना पड़ता है, इससे जरिए उसका फिसर्स एंड फिस्टुला भी होने की संभावना रहती है, जिसको हरस मसा भी बोल सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट को आपको क्या करने का, तो सबसे पहले जो भी खुराक है आप इसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लीजिए। मीन्स कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या है कि भाई जो नट्स है, ऐसे तो नट्स में प्रोटीन ज़्यादा होता है, पर प्रोटीन थोड़ी मात्रा में आप नट्स लो, बादाम है, काजू है, अंजीर है, पिस्ता है, ये 3-4 पीस नट खाइए धीरे धीरे। दूसरा, जो भी आप खाना खाते हैं तो होल व्हीट आटा लीजिए, क्योंकि बाहर का जो ब्रेड में आता है ये मैदा आता है, इसमें शुगर की भी मात्रा ज़्यादा होती है। थर्ड थिंग, शुगर कंटेंट और फैट कंटेंट, चीज़ कंटेंट अवॉइड कर दीजिए, तो इसे जरिए भी आपका धीरे धीरे पाचन शक्ति सुधरेगा और वायु की मात्रा कम। कई बार ऐसे जो डिजीज है, हमने बोला कि वे सीलियाक डिजीज होता है, ये लोग कार्ब्स नहीं पचा पाते, तो ऐसे दर्दी को गेहूं की जगह आप जव है या दाल, जो चने की दाल है इसकी रोटी, या चोखे की रोटी भी लेके सब्जी के लेके खा सकते हैं। कई बार जो वायु वाले पेशेंट हो तो ये कच्चा सलाद नहीं खा सकते, उसको कुक करके खुराक खाए तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रेगुलर एक्सरसाइज करने का है, थोड़ा चलने का है, ओबेसिटी हो तो कंट्रोल करने का है, ज़्यादा पानी मात्रा में पीने का है, और जब भी खुराक खाए तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में खुराक खाए, तो एक बार हमारा स्टमक रिज्वाइन हो जाता है, फिर से ये उनकी
नॉर्मल स्थिति में आता है तो वायु धीरे धीरे कम कर देता है। और कई बार आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या आईबीएस की जो सामना करता है, तो इसके लिए आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसी जरिए भी आपका जो वायु का जो प्रकोप है धीरे धीरे शांत हो जाएगा और खुराक अच्छी तरह पाचन करेगा और वेट लॉस भी हो जाएगा। वेट लॉस होने का कारण वायु भी है, तो जो वायु बैठ जाएगा तो शरीर में जो भी वसा है ये धीरे धीरे कट डाउन हो जाएगा, वायु भी कट डाउन हो जाएगा, आपका शरीर का मेजरमेंट धीरे धीरे कट डाउन हो जाएगा, सेंट्रल ओबेसिटी कम हो जाएगी। तो इसके पर जो आपके हार्ट पर या लीवर पर किडनी पर जो भी प्रेशर बनता है ये धीरे कट आउट हो जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। इसके जरिए आपको रेगुलर वॉक करने का है, वेट लॉस करने का है, योगा करने का है, प्राणायाम करने का है, तो ये भी सब कुछ बेनिफिट है। और खुराक में आप ब्लैक पेपर यूज़ कीजिए, कॉड है या छाछ है, या आप लहसुन का भी प्रयोग कर सकते हैं, लहसुन भी खुराक में डाल सकते हैं, अदरक है और ब्लैक पेपर है, ये सब कुछ जो जो फूड है ये इज अ सुपर फूड है, ये आपको खुराक में डेली यूज़ करना चाहिए। और तो ऐसे धीरे धीरे आपका जो पाचन शक्ति की मोटालिटी बढ़ेगा और ठीक रहेगा। तो मित्रों ये इसकी जो मेडिसिन होम मेडिसिन मैंने बताया, आप योगा कर सकते हैं। योगा में आप पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन जो मैंने पिक्चर में बताया था, वज्रासन है या भुजंगासन है, सूर्य नमस्कार है, ये मोटा मोटी करो तो आपकी जो पेट की मोबिलिटी बढ़ेगा और आपको ठीक रहेगा। मित्रों इसके लिए होम्योपैथिक में बेस्ट मेडिसिन है, सबसे पहले जो वायु ऊपर चढ़ता है और पेट टाइट रहता है तो कार्बो वेजिटेबल इस नाम की जो दवा है 30 पोटेंसी में आपको लेने का है। कई बार जैसे खाता है तो पेट में तुरंत एसिड बन जाता है, दर्दी थोड़ा भी खोरा खाता है तो पेट टाइट हो जाता है और धीरे धीरे गैस ऊपर चढ़ता है, दर्दी को छाती में पेन होता है, आंखों में जलन होता है, गले में खराश रहती है, आवाज़ में भी हॉर्सनेसनेस आ जाता है, थकान लगता है, सांस चढ़ता है और दर्दी 2-3 घंटे खाने के बाद बैठे नहीं रहे तो सो भी नहीं पाते हैं, उसकी नींद धीरे धीरे कम हो जाती है, दर्दी को कॉन्स्टिपेशन रहता है और पानी पीने की इच्छा नहीं होती, तो ऐसे दर्दी को होम्योपैथिक में कार्बोवे 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। सेकेंड दवा है नक्स वामिका। जिन लोगों को हेली बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, हेलिकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन, और बार बार पीत हो जाता है, वायु हो जाता है, अपचा और गैस की प्रॉब्लम रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, स्टूल में चिकास आ जाती है, कमर दर्द रहता है, नींद नहीं आती है, एंजाइटी रहता है, पाल्पिटेशन बढ़ता है, और लाइफस्टाइल जिनकी फास्ट है इन लोगों को नक्सवामी का 30 पोटेंसी लेना चाहिए। थर्ड नंबर की दवा है चाइना। जिन लोगों को सारा पेट में गैसेस रहता है और इतना टाइटनेस हो जाता है कि किसने कोई पत्थर रख दिया हो और जब भी खाना शाम को आए तो वो खा नहीं पाएगा, दूसरे दिन भी खुराक पचने का 5% हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, वीकनेस रहता है, कानों में भड़भड़ाहट रहता है, चक्कर आता है, वर्टिगो आता है, थकान महसूस दर्दी करता है, सांस चढ़ता है, तब दर्दी को चाइना लेना चाहिए। चाइना कई बार पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद भी जो कॉम्प्लिकेशन रहता है लेडीज़ को, तो इसके लिए बेस्ट मेडिसिन है। फोर्थ नंबर की दवा है लाइकोपोरिन। जिन लोगों को लीवर की वीकनेस हो और दर्दी को लेफ्ट साइड कंप्लेन ज़्यादा रहती है, वो कॉन्स्टिपेशन रहता हो या पास्ट में वो बोलता है कि मेरे को जॉन्डिस होने के बाद ही प्रॉब्लम हुआ है, तो आपको लाइकोपोडियम का प्रयोग करना चाहिए। आगे की जो दवा है, कई बार लेडीज़ को जब बच्चा का डिलीवरी होता है तो सीजरन सेक्शन करता है, और कोई भी पेट की ऑपरेशन के बाद जिन लोगों को वायु की प्रॉब्लम रहता है और जिन लोगों को यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन हो या किडनी का इन्फेक्शन हो या प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो और पेट में वायु बनता हो, तो इन लोगों को स्टेफिसैग्रा का दवा लेना चाहिए। कई बार पेट इतना पत्थर जैसा हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ड्राई कॉफ रहता है, वॉमिटिंग रहता है, छाती में जलन रहता है, वीकनेस होता है, सांस फूलता है और पानी बार बार पीने की इच्छा हो जाती है, जॉइंट में इंफ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है,
पेन नहीं होता है, तो इन लोगों को ब्रायन या थर्टी पोटेंसी में लेना चाहिए। और लास्ट एंड ट्रम फॉर सिक्स है कि मेरी बहुत अच्छी दवा है, आपको जैसे आप एंटासिड या एंटी एसिड की पेंटाप्रेजोल और जिनटेक रेंटेक जैसी दवा लेते हैं, ऐसे ही होम्योपैथिक में नेट्रम फॉर सिक्स एक्स है, ये आपको दवा जरूर लेना चाहिए। ये आपका पी एसिड एंड वायु का बैलेंस करता है स्टमक में और आपका पाचन शक्ति को अप हिंट करता है। तो आपको नेट्रम फॉर सिक्स एक्स लेना चाहिए, इससे आपका वायु कम बनेगा, पाचन शक्ति को मजबूत करता है, स्टमक की वॉल की इनर वॉल है ये रिज्वाइन करता है। मित्रों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।